वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के अक्षय कुमार बने किंग। 2019 में 1000 करोड़ कमाने वाले अकेले बॉलीवुड एक्टर। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। 2019 में अक्षय कुमार ने कामयाबी का नया इतिहास रचा है। उनकी चारों फिल्में हिट रही, मगर इसके साथ एक और रिकॉर्ड बनाया है जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। दरअसल अक्षय कुमार अकेले बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं जिनके फिल्मों ने 2019 में 1000 करोड़ से अधिक वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया है। अक्षय कुमार इस वक्त बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद एक्टर्स में शामिल है। अक्षय की फिल्में ना सिर्फ चलती हैं, बल्कि निर्माताओं को मुनाफा देकर जाती हैं। साथ ही क्रिटिक्स भी उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। अक्षय कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस की बेहतरीन मिसाल बन चुके हैं। 2019 में अक्षय कुमार की 4 फिल्में रिलीज हुई। यह सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जम कर चली। अक्षय इनके वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो हाल ही में गुड न्यूज ने 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया है। 27 दिसंबर को रिलीज हुई गुड न्यूज ने 18 दिनों में यह मुकाम हासिल किया है। इससे पहले 2019 में अक्षय की पहली रिलीज केसरी ने 207 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था। हाउसफुल 4 का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 280.27 करोड़ रहा, जबकि मिशन मंगल ने 290.59 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया। इन सभी वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन का योग 1076.34 करोड़ आता है। 2019 में दूसरे स्थान पर ऋतिक रोशन है जिनकी 2 फिल्में आई। सुपर 13 ने 208.93 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया था, जबकि वॉर ने 474.79 करोड़ बटोरे थे। इन दोनों को मिलाकर ऋतिक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन का स्कोर 683.72 करोड़ आता है। ऋतिक के करियर के लिए भी 2019 बेहतरीन रहा। तीसरे स्थान पर सलमान खान है जिनकी भारत और दबंग 3 रिलीज हुई थी। भारत ने 325.58 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया, जबकि दबंग 3 ने 212.87 करोड़ बटोरे। इन दोनों को मिलाकर सलमान की फिल्मों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 538.45 करोड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।